हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 को लेकर रोहिलखंड विश्वविद्यालय से खबर निकल आई है सेंटर को लेकर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। सेंटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। आप सभी को बताएं, परीक्षा जो है वो 6 जुलाई को ही संपन्न होने वाली है। परीक्षा की तिथि एक एक दिन करके नज़दीक आ रही है। जितने भी छात्र हमारे तैयारी में जुटे हुए हैं दोस्तों, उनके लिए पूछिए कि उनके पास कितना दिन बचा है, सिर्फ वही समझ सकते हैं ये जो एक एक दिन जा रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, कितने भी नंबर आ जाएंगे कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये गलती इस बार मत करो भाई, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार आवेदनों की संख्या ज्यादा है। बहुत सारे छात्र इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में एडमिशन चाहते हैं। 7 लाख के करीब आवेदन है। अगर प्राइवेट सीटों की बात करें तो केवल 2 लाख है, और गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 10 से 12 हजार है। टोटल जो सीटें हैं, हद से अगर मैं बहुत अत्यधिक बात करूं कि बहुत सारी सीटें बढ़ गई होंगी, तो टोटल सरकारी और प्राइवेट मिलाकर केवल केवल 2.5 लाख सीटें हैं पूरे अपने प्रदेश में। और आवेदन कितने हुए, 7 लाख आवेदन हुए। तो आप खुद मान सकते हैं कि इस बार सरकारी सीट के लिए नहीं फाइट हो रही है, इस बार प्राइवेट सीट में भी एडमिशन के लिए फाइट होने वाली है। दोस्तों अगर आपके कम नंबर आते हैं ना, मैं कहता हूं लाखों छात्रों के एडमिशन होने ही नहीं वाले हैं। तो अगर आप एडमिशन चाहते हो, अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जितने भी दिन बचे हैं, 18-20 दिन बचे हैं मेरे भाई, उतना ही पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कम से कम 100-150 अंक आ जाएंगे ना। एडमिशन प्राइवेट में तो अच्छे कॉलेज में आपके पास में कहीं पर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप रहते किसी जिले में हो और आपका हो रहा है दूसरे जिले में, सुल्तानपुर में हो रहा है, आगरा में हो रहा है, करवाना पड़ रहा है, मुश्किल से करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो भाई, 18 से 20 दिन भी पढ़ के बहुत सारे छात्र अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तरीका होना चाहिए पढ़ने का, स्मार्ट स्टडी करके भी आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने 6 महीने तैयारी की हो तभी आप अच्छा अंक ला सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाया है, या बुक्स जो आपने ली है वो बहुत मोटी है, उसको आप पढ़ोगे तो समय निकल जाएगा, इतना टाइम नहीं सब कुछ पढ़ने के लिए, तो हमारा एक क्रैश कोर्स बहुत मदद करेगा। हेल्प ले लो इसकी भाई, 149 रुपये, बहुत ज्यादा कीमत नहीं रखी है। इसमें आपको पूरा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, इकट्ठा मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, एमसीक्यू बिल्कुल सिलेक्टेड, हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको यह टेंशन नहीं रहेगी कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यह माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स को बाय करने के बाद में आपको यहां पर जो कंटेंट मिलेगा ना, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी गई। जैसे 10 साल का पेपर दिया गया, सबसे पहले तो यह आप सॉल्व कर लो, भले आपको 5 दिन लग जाए पेपर सॉल्व करने में, बट इसमें जो 10 साल का पेपर दिया गया है वो बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, कि जो एक क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन और पूछे सकते हैं वो सारे बताए गए हैं इसमें। तो मैं रेकमेंड करूंगा जो भी छात्र इसको खरीदे, सबसे पहले तो इसका 10 साल का पेपर सॉल्व कर ले, जो भी 4-5 दिन लगे, उसके बाद में जो भी 14 दिन आपके पास शेष बचे, उसमें जितने भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के आपके एमसीक्यू दिए गए, जैसे आपका जीके के हो गया, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, सब कुछ आपको 200-200 क्वेश्चन सिलेक्टेड डाले गए हैं भाई, उनको पढ़ लो भाई। इसके साथ साथ आपको फिजिक्स, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी एमसीक्यू दिए गए हैं, और आपका रीजनिंग भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आ सकते हैं वो दिए गए हैं, साथ साथ हिंदी के चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू दिए, मतलब सब कुछ आपको दिया गया है कंटेंट आपको इकट्ठा पढ़ने के लिए। 10 से 20 दिन की तैयारी करना चाहते हो ना इससे, तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, अंक अच्छा खासा आ जाएगा भाई। तो 149 रुपये का मुंह ना देखो, ये मत सोचो 149 रुपये लग रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे ना 500-500 रुपये की किताबें लेकर आए पढ़ रहे हैं, जिनको सरकारी सीटें चाहिए। आप एडमिशन लेने जा रहे हो, आपने 1,000 रुपये खर्चा कर दिए फॉर्म में, आप 149 रुपये लगा के अपने एडमिशन के लिए नहीं प्रयास कर सकते हो, पढ़ सकते हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब भी वक्त है एक अच्छा अंक प्राप्त करने का, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने पास में कॉलेज लेने का भाई, तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 150 अंक तो लाना ही पड़ेगा अगर आप एडमिशन प्राइवेट में चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज में, तो पढ़ना पड़ेगा। 150 अंक ऐसे नहीं आने वाले कि आप तुक्का लगा के चले आओगे तो हो जाएगा, 0/0 आएगा तुक्का लगाओगे, क्योंकि भाई माइनस मार्किंग है, और ऐसी वैसी माइनस मार्किंग नहीं, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भाई, 3 प्रश्न गलत करोगे 1 प्रश्न का अंक पूरा काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से भाई परीक्षा बहुत अच्छे लेवल के होने वाली है। लिंक इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आज ही खरीद लो भाई, 149 रुपये के लिए बिल्कुल मत सोचो, लिंक से बाय कर लो जाकर। लिंक से अगर परचेज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट फेल जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं बोल भी दे रहा, 7007647151, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए कि सर मुझे 149 रुपये वाला कोर्स चाहिए, आपको वहाँ पर तुरंत डिटेल दी जाएगी और वहीं पर कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी खरीदो भाई,
पढ़ना शुरू कर दो, देर मत करो। चलिए आते हैं खबर पर दोस्तों। देख सकते हैं हम रोहेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से सभी न्यूज़पेपर में निकला है, रोहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड बेस परीक्षा के लिए बनाए 1541 केंद्र। ठीक है, पूरे 75 जिलों में यूपी में केंद्र बने हैं। देख सकते हैं यहां पर रोहेलखंड, आप यहां पर देखिए लिस्ट जारी की गई पूरी, आप भी देखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या सेंटर बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि हां सर मेरे भी डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बने हैं। देखो भाई, रोहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड बेस परीक्षा के लिए 1541 केंद्रों की सूची फाइनल कर दी है। बरेली मंडल में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक केंद्र जो है भाई प्रयागराज में बनाए गए हैं जो कि 109 है, और वाराणसी में 108 बनाए गए हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई परीक्षा केंद्रों की सूची में बरेली में 30, बदायूं में 11 सेंटर, पीलीभीत में 11 सेंटर, शाहजहांपुर में 14 सेंटर, लखीमपुर खीरी में 18 केंद्र बनाए गए हैं। सबसे कम केंद्र वाले जिले की बात करें तो श्रावस्ती में 1 केंद्र बनाए गए, सिर्फ बलरामपुर और ललितपुर में 4-4 केंद्र बनाए गए हैं, आगरा में 41, चित्रकूट में 5 केंद्र सेंटर बनाए गए हैं, मुरादाबाद में 33 कॉलेजों के सेंटर बनाए गए हैं, रामपुर में 10 कॉलेजों के सेंटर बनाए गए हैं, संबल में 7 कॉलेज को सेंटर बनाए गए, गोरखपुर में 51 कॉलेज को सेंटर बनाए गए हैं, जौनपुर की बात करें तो 68 कॉलेज को जौनपुर में बनाए गए सेंटर, कानपुर देहात में 8 और कानपुर नगर में 42 सेंटर बनाए गए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। लखनऊ की बात करें तो 61 सेंटर बनाए गए लखनऊ में, अंबेडकर नगर में 43 सेंटर बनाए, अमेठी में 7 सेंटर बनाए गए, अमरोहा में 14 सेंटर बनाए गए, चंदौली में 17 सेंटर बनाए गए, अयोध्या की बात करें तो 36 सेंटर बनाए गए, यही प्रतापगढ़ में बात करें तो भाई 31 कॉलेज को बीएड बेस परीक्षा संपन्न कराने के लिए सेंटर बनाए गए भाई। अब आप कमेंट करके बताएं क्या आपका डिस्ट्रिक्ट था इसमें या नहीं था, जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ दोस्तों पढ़ना शुरू कर दो, जितना भी समय बचा यूटिलाइज करो, अपने टाइम को मैनेज करो भाई, समय निकालो, वक्त दो, पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, मुझसे पूछ सकते, इंस्टाग्राम में मुझसे सजेशन ले सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, मुझे वहां फॉलो कर लो, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करनी पड़ेगी, जैसे कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा सर, कितने कॉलेज चूज करें, कैसे अलॉटमेंट करवाना है, कैसे काउंसलिंग करवाना है, सब कुछ जानकारी दी जाएगी भाई इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक और काम कर सकते हो, सबसे पहला काम तुम्हारा कोर्स परचेस कर लो, सबसे सफिशियंट चीज होने वाली है भाई, उसको अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हो, कम समय में पढ़ने के लिए कंटेंट दिया गया है। साथ ही साथ दूसरा काम कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर फ्री में क्लासेस चलाई जाती है, करंट अफेयर हो गया, समान ज्ञान हो गया, समान हिंदी हो गया, टॉपिक वाइज सब कुछ मिलता है भाई। तो क्लासेस बिल्कुल फ्री में, क्लास के लिए कोई पैसा नहीं है, सिर्फ कोर्स का 149 रुपीस है, नोट्स का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय करने का। क्लास कैसे ज्वाइन करना है मैं बताता हूं दोस्तों, ये देखिए सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू करवाता हूं, टेस्ट करवाता हूं, पर्यायवाची हो गया, खेलकूद हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, सब कुछ मिलता है। देखिए हमारा चैनल जो है बीएड प्रवेश परीक्षा स्पेशली चैनल बनाया गया है, आप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए फ्री में करना क्या, आपको हमारे चैनल पर जिस पे इस वीडियो को देख रहे हो नीचे देखिएगा सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो भाई, बस आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो चुके हैं और आपको हमारी जितनी भी क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री में नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। टाइम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, टाइम भी मैंने दिखा दिया, इन टाइमों पर आप लाइव आ सकते हो दोस्तों। और साथ साथ आप कोर्स जरूर परचेज करो, कोर्स परचेज कर लोगे भाई तो बहुत आसानी हो जाएगी, मतलब सब कुछ आपके सामने रखा रहेगा, इसमें समय बर्बाद नहीं होगा, कौन सी बुक से पढ़े, कहां से पढ़े, क्या चीज पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, इस चीज से आपका समय बच जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाकर परचेज कर लो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर मैसेज करके भी ले सकते हो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाई चलिए क्लास में जुड़ जाइए और पढ़ना शुरू कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड 25 तारीख को एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, उसमें आपका एग्जैक्ट सेंटर पता चल जाएगा कि कौन सा किस सेंटर में हमारा एग्जाम है। ठीक है, 25 जून को जुड़े रहना दोस्तों, सबसे पहले अपडेट दी जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं क्लास में।